उस मौदूद ने सारी हदें पार कर डाली। वो सलीबियों से हमारी इस जंग का फायदा उठा रहा है और ललकार रहा है हमें। कुछ भी हो जाए उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अब सुल्तान, हमारे पास कैदी बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं। अगर हमने उन्हें नहीं बचाया तो बर्नार्ड उन्हें मार डालेगा। अभी सबसे बड़ा मसला यही है। पहले शाम और कैदियों को बचाते हैं, उसके बाद जिससे भी निमटना हो निमट लेंगे हम। दमिश्क में दाखिल होने का कोई खुफिया रास्ता नहीं है, हम अब क्या करेंगे सुल्तान? एक रास्ता है, कल दमिश्क चले जाइए और बर्नार्ड से समझौता कीजिए। सुल्तान नूरुद्दीन, अब हम पर आसमानी बिजली की तरह गिरेगा। डरता हूं मेरे शेर, कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान से हमारी जंग छिड़ जाए। खूनी बर्नार्ड आया है अमीर, आपसे बात करना चाहता है। इतनी दूर से यहां क्या करने आ गया वो? अंदर लेकर आओ। क्या इतनी दूर से उड़ते हुए आए हो? हां, चमगादड़ की तरह। वो भी मेरी तरह खून चूसती है, रात की तारीकी में दिखाई नहीं देती और अपने बेखबर शिकार पर झपट पड़ती है। काम की बात करो, क्यों आए हो तुम यहां? तुम्हें दोस्ती की पेशकश करने। पायो तख्त पर कब्जा करने वाले दुश्मन से दोस्ती? ये एक ऐसी दोस्ती होगी जो भाई के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होगी। तख्त दिलवा सकता हूं तुम्हें। क्या मतलब है? दमिश्क तुम्हें दे दूंगा, यूं तुम्हें हर कोई पायतख्त का सच्चा मुहाफिज समझेगा और तुम सुल्तान बन जाओगे।